Okay, hello everyone. We have Ramandeep Singh with us. He's not really comfortable with the camera, so I'm just recording his voice. So, Raman, kya study kar rahe hain aap yahan pe? Environment science. It is 1 year graduate certificate. 1 year graduate certificate. So, kya 1 year he study karna hai? Why you came to Salt Marie? Kya particular reason tha Salt Marie campus? Salt Marie yahan pe aane ka particular reason ye tha ki matlab meri preference pehle thi Brampton ya Toronto. Par wahan pe jo dekha hai bheed bahut hi badi hai. Aur uske mukable yahan pe thodi shanti bhi hai. पर जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि थोड़ी सी जॉब्स की अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि स्टूडेंट एकदम से ज़्यादा है सूप और जालकोमा मतलब बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो गई हैं यहाँ पर। और एक ये था कि यूनिवर्सिटी के रिफ्यूजल के चांसेस थोड़े कम होते हैं इसलिए यहाँ पर वीज़ा लग रहा था। तो आपको लगा कि सॉल्ट मैरी में रिफ्यूज़ल का इशू नहीं होगा तो आर यू प्लानिंग टू स्टडी 2 ईयर 2 साल यहाँ स्टडी करो क्योंकि RNIP के अंडर आ जाता है या 1 साल स्टडी करके यू लैंड इट और उसके बाद कुछ और प्लान है? ये डिपेंड करता है मेरी जॉब पे आगे जॉब कैसे है क्योंकि RNIP में तो 2 साल की स्टडी के बाद यू विल फॉल अंडर दैट। हाँ जी, तो अभी अगर जैसी जॉब मिलती है फिर उसके हिसाब से देखता हूँ, अगर यहाँ पे अच्छा काम बन गया फिर तो यहीं पे अगला साल भी कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मूव होऊंगा किसी और। ओके, एंड बाकी जिससे भी आपने बात की है उनको जॉब मिल गई है, एक बार जॉब लग जाएगी तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो फिर कोई इशू नहीं है? हाँ, अच्छी जॉब लगती है और लगी रहती है? हाँ जी, बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसा है कि मतलब यहाँ पे खर्चा बाकी सिटी से थोड़ा कम है। एक्सपेंसेस कम, मतलब बंदे का गुजारा हो जाता है अगर जॉब नहीं भी स्टार्टिंग में लगती तो GIC पे मतलब बंदा अपना मैनेज कर सकता है अच्छे से। तो वो आपने रेंट बताया अपना सिंगल रूम का यू आर पेइंग $400 बट 275 में भी डाउनटाउन में $275 में भी कई लड़के हैं 275 में भी रह रहे हैं या फिर 300 में भी रह रहे हैं, अपने अपने जैसे इसकी सेटिंग है, जैसे शेयरिंग में रह रहते हैं ना तो कम हो जाता है और प्राइवेट का थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब प्राइवेट रूम जैसे मेरे पास प्राइवेट 400 में 375 में मिल जाता है, 350 में, वो डिपेंड करता है ओनर पे। शेयरिंग अगर एक रूम में दो लोग रह रहे हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में तो फिर कितने में मिल जाता है? या 2 बेडरूम में 4 लोग रह रहे हैं, 2 बेडरूम में 4 लोग रह रहे हैं जैसे 4 लोगों के एक अपार्टमेंट? वैसे तो अलाउड नहीं करते। अच्छा, एक रूम में 2 ही अलाउड होते हैं ना, जैसे उनका अगर 500 तो 250 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। 250 भी हो सकता है अगर शेयरिंग में रहेंगे तो। हाँ जी, ठीक है। और ग्रोसरी का खर्चा कितना है? ग्रोसरी का अगर खुला करके एक ये है भाई, अलगोमा यूनिवर्सिटी ग्रोसरी देती है स्टूडेंट्स को। अलगोमा ग्रोसरी देती है स्टूडेंट्स को हर वीक, मतलब अपनी जरूरत की 10 आइटम्स ले सकते हैं यहाँ से। ओके, बदलनी पड़ती है, हर एक मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे को ग्रोसरी मिलती है, मतलब हफ्ते में एक बार अपने चीज़ें ले सकते हैं यहाँ पे और अच्छे से गुजारा हो जाता है, मतलब ग्रोसरी का खर्चा बच जाता है। अच्छा, अलगोमा ही ग्रोसरी दे देती है, हेल्प कर देती है आप? और सबसे मेन बात यहाँ पे जो अलगोमा का स्टूडेंट कार्ड है वो ट्रांजिट में चलता है। ओके, और ट्रांजिट का कोई खर्चा नहीं, जीरो। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जीरो है आपका? हाँ जी। ओके, ग्रोसरी आपको अलगोमा से मिल जाती है मैक्सिमम? ग्रोसरी का ऐसे कह सकते हैं अगर हमारा महीने में 150 लगना होता है ना तो वो 75 ही लगेंगे, आधे हाफ यहाँ से मिल जाती है। Okay. जैसे दूध मिल जाता है, बटर मिल जाता है, दालें मसाले सारे मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, जैसे मैं कल ही लेके गया था, तो मेजर चीज़ें मिल जाती है वगैरह। हाँ, मिल जाती, तो अलगोमा ये सपोर्ट करती है। हाँ, ये सपोर्ट करती तो है। आपका मैं रेंट को अगर 300 एवरेज मान लूँ, सही, मैं रेंट को 300 अगर मान लूँ तो 300 के बाद देन ग्रोसरी $75 और वो जो आपका मोबाइल का बिल, वो प्लान्स के हिसाब से $50 ऑन एवरेज, नॉर्मल 40-45 $50 मान लेते हैं। सो दिस इज द एक्सपेंस, एक्सपेंसेस वाइज एक्सपेंस कम है, तो जॉब में कम भी है तो GIC पे सर्वाइवल है और जॉब मिल जाएगी तो फिर कोई इशू ही नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है, जैसे कि मैं अभी GIC पे सर्वाइव कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास GIC बच जाए। यू केम हियर 20 डेज, मतलब 20 दिन हो गए हैं आपको आए हुए, एंड इनिशियली अकोमोडेशन कैसे ढूंढी थी आप, कैसे यहाँ पे, क्योंकि यू डोंट नो एनीवन आई गेस। इनिशियली मैं देख रहा था पहले मार्केटप्लेस पे पर वहाँ पे कोई बात बनी नहीं, फिर आप आके रहे कहाँ पे थे? हाँ, फिर मैं आके यहाँ पे गुरुद्वारा आया, गुरुद्वारा साहिब कनेडियन खालसा दरबार गुरुद्वारा, वहाँ पे मैं रहा, वहाँ से मतलब गुरुद्वारा में बोर्ड पे लिखा होता है लिंक वगैरह थे कि ग्रुप्स के, और उनसे देख देख के मतलब अकोमोडेशन मिल जाती है आराम, मतलब एक बार शुरू शुरू में अगर कोई नहीं जानता तो मैनेज हो जाता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी हमारी है इंडियन, बहुत इंडियंस हैं यहाँ पे, इंडियन हैं अभी बहुत हैं, मतलब आपको बसों में कहीं भी आराम से मिल जाते हैं। मैं कल कैब में था, आई गेस उबर नहीं है वो, कोई और कैब चलती है यहाँ पे, इनकी लोकल राइड है, कोई लोकल राइड है, वो पराग था लड़का एंड ही गॉट पी आर हेयर ओनली, तो यहीं पर उसकी पी आर हुई थी, 5 साल से यहीं पर रह रहा है, ही इज़ वर्किंग इन ए कंपनी और फिर इवनिंग में ओवर करता है, दोनों काम करता है, ही सिंगल, तो वी फाउंड इंडियंस हेयर, तो इंडियंस है, तो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, गुरुद्वारा साहिब भी है यहाँ पे, तो वो सपोर्ट सिस्टम है इनिशियली, उसके बाद आप अपना, तो 400 के अप्रोक्स में, 400 to 450 में बंदे का खर्चा यहाँ निकल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, ग्रोसरी का खर्चा अलगोमा सपोर्ट कर देती है, सो दैट सपोर्ट इज देयर, रेंट इज आल्सो लेस, जॉब वाला है विच इज, एक बार जॉब लग गई तो फिर अच्छी लगी रहती है सभी, पे रेट कितना है जॉब में, पे रेट मतलब पे रेट 15 देते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, थोड़ी सी 12-13 भी देते हैं, पर अगर उनको काम अच्छा लगे स्टार्टिंग में आर्स भी कम देते हैं, तो जैसे उनको लगता है काम के हिसाब से वो बढ़ा देते हैं फिर बाद में। ओके, और पीआर के लिए, अगेन टचिंग द पॉइंट, पीआर के लिए यू कैन स्टिल सी, क्योंकि 2 साल की स्टडी के बाद कम्युनिटी, लोग देखा है लोगों को पीआर लेते हुए यहाँ से, मेरे को पराग ने तो बताया कि हाँ ही हैज डन इट, बिल्कुल, मेरे भी नोन में आ गई, वो ब्रैम्पटन से मिसिसागा से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि पीआर लेने के लिए, आरएनआईपी के थ्रू पीआर लेने के लिए, तो पीआर वाला सीन काम करता है, इट्स नॉट कि हवा में है, नहीं नहीं करता है, पीआर वाला सीन काम करता है, यहाँ पे बहुत लोग मूव कर रहे हैं, मतलब समवन शेयर्ड विद मी, प्राग ने ही शेयर किया था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी जॉब करता है तो पीआर में बहुत जल्दी ज़्यादा सपोर्ट होती है, कंस्ट्रक्शन का काम और एक स्टील फैक्ट्री यहाँ पे, उसका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, किसी के पास स्किल्स है ना, जैसे वेल्डिंग का नहीं आती हो तो कोई सीख ले, यहाँ के एंटर कर जाए, मैंने सुना कि $45 पर आवर मिलते, $45 पर आवर मिलते हैं अगर कोई स्किल सीख के आ रहा है या फिर यहाँ आके भी सीखने को रेडी है, क्योंकि क्या क्या जॉब्स होंगी लगातार, मतलब उसमें कंटिन्यूसली कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं उसमें, पॉसिबली स्टील फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन में, किस किस तरह के काम होता है, कंस्ट्रक्शन में जैसे लेबर वर्क होता है, बाकी वही स्किल है, एक अगर कोई स्किल अभी आया वो मतलब पंजाब से आया, उसने आईटी की थी वेल्डिंग की, और उसकी आधी सारी जॉब लग गई, और $45 पर आर पे ले रहा है, तो आईटीआई की हुई थी वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग से रिलेटेड जॉब लग गई है, सो इट वाज रियली गुड, बिल्कुल, मतलब मेन काम ये है कि स्किल हो अगर बंदे का, हैंड स्किल कोई भी, तो फिर लग जाए तो आराम से, तो है बिल्कुल, उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं वो कैनेडा में कहीं पे भी जाए, ये पर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मैं स्पेसिफिकली इस लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लोकेशन पे अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बाकी जैसे वॉलमार्ट है वहाँ पे भी जॉब, वॉलमार्ट में भी जॉब्स हैं, अभी आके डॉलरामा पे भी जॉब लगे हैं, बाकी रेफरेंस टीम और बाकी सब चीजें तो है ही यहाँ पे, होटल वगैरह भी है, हमने यहाँ पे सर्विस, होटल्स का काम बहुत है, क्योंकि विजिटिंग प्लेस है, कुकिंग का आती है, क्लीनिंग का काम मिल जाता है, मतलब आराम से हो जाता है, स्टार्टिंग में यही होता है ना कि बंदा थोड़ा फोकस फोकस कर रहा होता है, तो टाइम नहीं मिलता ऐसे, बट जल्दी मैनेज हो जाए है ना, एक आदमी ना लग जाता है, मतलब बंदे का अपना साइडिंग करने में सारी, बट कंफर्टेबल है, प्रेशर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कम, प्रेशर नहीं है, प्रेशर पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे अगले महीने का खर्चा, वो चीज नहीं है, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स, उनको क्लैरिटी मिलेगी, हमें भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है जान के बात करके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू अगेन।